आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। मैं आज मीडिया के वसाकत से पूरे लद्दाख खित्ते के आवाम को ईद मुबारक पेश करना चाहता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा ईद उल फितर कल 3 तारीख को पूरे आलम की तरह पूरे लद्दाख में भी मनाया जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि ये जो ईद है ये काफ़ी खुशहाल रहेगा, क्योंकि हम सब समझते हैं कि माह रमज़ान का जो महीना रहा वो बहुत ही बरकत महीना रहा, जिसमें पूरा जो है पूरा मन से लोगों ने अपने जितने भी मजहबी रसूमात थे वो अदा किया, जिसमें हमारे मजलिसें हो, नमाज हो, सारे कुछ जो है बखूबी इस वक्त लोगों को मौका मिला। 3 साल तकरीबन 2-3 साल कोविड की वजह से जो है हम लोग जो हमारे माह सियाम के जो मजलिसें होती थी या इबादत वगैरह नमाज जो हम नहीं कर पाए वो इस साल हम लोगों ने किया, तो हम लोग अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह से जिस पुरअमन तरीक़े से माह सियाम का महीना गुजरा है उसी तरह से इंशाल्लाह कल ईद भी हमारे लोग मनाएंगे और सारे लोग मिल के मनाएंगे, जिसमें हमारे बाकी मजहब के लोग बरादरी के लोग हैं वो सब मिल के ईद को मनाएंगे, क्योंकि हमारा एक कल्चर है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा भी जो भी हमारे मजहबी रसूमात होगा वो सब मिल के खुशी से हमें मनाने का अल्लाह ताला तौफीक अता करे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस माह सियाम में हमारे पूरे जनरल पब्लिक को किसी भी चीज़ की कोई कमी या कोई मुश्किल जो है यहाँ पे नहीं रखा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, काउंसिल ने, सभी ने मिलके पानी का हो, बिजली का हो, खाने पीने का सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया रहा, बल्कि बहुत ही बेहतर हमें समझता हूँ, हम काफ़ी सेटिस्फाइड रहे और लोगों ने भी हर चीज़ में तआवुन किया। तो आखिर में एक बार फिर मैं मीडिया की वसात से, आप लोगों की वसात से करगिल और पूरे लद्दाख के आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज मीडिया के वसात से पूरे लद्दाख खित्ते के आवाम को ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा ईद उल फितर कल 3 तारीख को पूरे आलम की तरह पूरे लद्दाख में भी मनाया जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि ये जो ईद है ये काफ़ी खुशहाल रहेगा, क्योंकि हम सब समझते हैं कि माह रमज़ान का जो महीना रहा वो बहुत ही बरकत महीना रहा, जिसमें पूरा जो है पूरा मन से लोगों ने अपने जितने भी मजहबी रसूमात थे वो अदा किया, जिसमें हमारे मजलिसें हो, नमाज हो, सारे कुछ जो है बखूबी इस वक्त लोगों को मौका मिला। 3 साल तकरीबन 2-3 साल कोविड की वजह से जो है हम लोग जो हमारे माह सियाम के जो मजलिसें होती थी या इबादत वगैरह नमाज जो हम नहीं कर पाए वो इस साल हम लोगों ने किया, तो हम लोग अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह से जिस पुरअमन तरीक़े से माह सियाम का महीना गुजरा है उसी तरह से इंशाल्लाह कल ईद भी हमारे लोग मनाएंगे और सारे लोग मिल के मनाएंगे, जिसमें हमारे बाकी मजहब के लोग बरादरी के लोग हैं वो सब मिल के ईद को मनाएंगे, क्योंकि हमारा एक कल्चर है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा भी जो भी हमारे मजहबी रसूमात होगा वो सब मिल के खुशी से हमें मनाने का अल्लाह ताला तौफीक अता करे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस माह सियाम में हमारे पूरे जनरल पब्लिक को किसी भी चीज़ की कोई कमी या कोई मुश्किल जो है यहाँ पे नहीं रखा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, काउंसिल ने, सभी ने मिलके पानी का हो, बिजली का हो, खाने पीने का सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया रहा, बल्कि बहुत ही बेहतर हमें समझता हूँ, हम काफ़ी सेटिस्फाइड रहे और लोगों ने भी हर चीज़ में तआवुन किया। तो आखिर में एक बार फिर मैं मीडिया की वसात से, आप लोगों की वसात से करगिल और पूरे लद्दाख के आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने शैतानिरजीम बसमीम आज रमज़ान मुबारक के आखिरी इशरे का आखिरी दिन है और कल यानी योम ईद ईदालफितर पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। मेरी खुदा से दुआ है कि इस रमज़ान जो कि मग़फ़रत का महीना है, हम सब की अल्लाह ताला हम सब की गुनाहों की मग़फ़रत करे और ये ईद हम सब के लिए खुशी शादमानी का पैगाम लेकर सरशार हो। हर जगह जो है अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से जो है कोरोना का वबा फैला हुआ है, अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से तमाम ममलिकत को और तमाम दुनिया को इस बीमारी से नजात दिलाए, ये हमारी दुआ है। और ये ईद हम सब के लिए बाईस मसरत और शादमानी का पैगाम लेकर सरशार हो। बहुत बहुत शुक्रिया।